प्यारी स्टूडेंट, अब स्वास्थ्य शिक्षा के संबंधित हमारा अगला टॉपिक है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। इंट्रोडक्शन। वी ऑल नो द पॉपुलर सेइंग हेल्थ इज वेल्थ। हम सभी जानते हैं कि ये कहावत कही गई है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन होता है। बाई हेल्थ, हेल्थ के द्वारा। वी डू नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फिजिकल ट्रबल्स ओनली। केवल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि हम शारीरिक कष्टों को ही न झेले, बट लेकिन इट इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल। ये एक ऐसी दशा होती है जो पूर्ण रूप से शारीरिक, मेंटल, मानसिक एंड सोशल वेलबींग और सामाजिक स्वच्छता के बारे में जुड़ी होती है। द लॉस ऑफ हेल्थ इज ए लॉस ऑफ ऑल हैप्पीनेस। स्वास्थ्य का लॉस हो जाना मतलब सारी खुशियों का समापन हो जाना। महात्मा गांधी कहा करते थे, इट इज हेल्थ, ये स्वास्थ्य है, विच इज रियल वेल्थ, जो वास्तविक धन होता है। एंड नॉट द पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, न कि चांदी और सोने के टुकड़े। इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य का महत्व। अ गुड हेल्थ रिड्यूसेस द स्ट्रेस लेवल। एक अच्छा स्वास्थ्य तनाव वाली स्थिति को कम करता है। एंड प्रोमोट्स हेल्थी लाइफ विदाउट एनी सफरिंग्स, और बिना किसी कष्ट को झेले एक स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है। वी शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ आवर हेल्थ। हमें हमेशा अपने स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होनी चाहिए। एंड गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप, और हमेशा हेल्थ चेकअप के में जाना चाहिए। वी शुड ईट बैलेंस फूड, हमें नाप तोल के ही भोजन करने चाहिए। हैविंग फ्रेश फ्रूट, जिसमें सम्मिलित हो ताजे फल, सलाद, ग्रीन लीफी, पत्तेदार वेजिटेबल, सब्जियां, मिल्क, एग, कर्ड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें। इन टाइमली मैनर्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द गुड हेल्थ, समय के अनुसार अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। और गुड हेल्थ आल्सो नीड्स सम डेली फिजिकल एक्टिविटीज, एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ शारीरिक परिश्रम भी करना जरूरी होता है। प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, उचित आराम करना और नींद लेना। क्लीनिनेस, हेल्थी इन्वायरमेंट, और साफ सुथरे वातावरण में रहना। फ्रेश एयर, ताजा हवा में रहना। एंड वाटर, और अच्छी पानी को पीना। पर्सनल हाइजीन्स, और व्यक्तिगत सफाई पर ध्यान देना एक्सेट्रा। इन ऑर्डर टू रिड्यूस आवर रश, अपनी भाग दौड़ को कम करने के लिए। बिटवीन हॉस्पिटल एंड होम, चाहे हमें अस्पताल की चक्कर लगानी हो या घर की। मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य को मेंटेन रखना हमारा कर्तव्य बनता है। इज अ बेटर आइडिया, एक अच्छा विचार हो सकता है। मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ इज अ गुड हैबिट, अच्छे स्वास्थ्य को मेंटेन करना भी एक अच्छी आदत मानी जाती है। विच शुड बी प्रैक्टिस्ड फ्रॉम चाइल्डहुड विद द हेल्प ऑफ पेरेंट्स, और इसकी आदत हमें अपने माता पिता के साथ रहकर बचपन में ही डाल लेनी चाहिए। समापन, कंक्लूजन। देर आर मेनी पीपुल इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में तमाम लोग ऐसे हैं हु आर एक्सट्रीमली वेल्थी, जो बहुत ही अत्यधिक स्वस्थ और सुंदर दिखते हैं। बट ड्यू टू पुअर हेल्थ, लेकिन कुछ खराब स्वास्थ्य वाले भी लोग मिलते हैं। दे आर अनेबल टू इन्जॉय देयर मटेरियल क्वाइंस, जो अपने तमाम भौतिक सिक्के होने के बाद भी जीवन का आनंद नहीं ले पाते। देयर डेली परफॉर्मेंस इज हैम्पर्ड बाई फिजिकल एंड मेंटल इनकैपेसिटेशन, एंड हैंस उनका डेली का जो काम करने का तरीका होता है वो मानसिक तनाव के कारण आनंद में नहीं रह पाते हैं, तनाव बढ़ा रहता। और इस प्रकार दे कैन बी एक्चुअली कॉन्सिडर्ड पुअर, वो हमेशा अपने आप को गरीब समझते हैं। अब मटेरियली पुअर मैन और वुमैन, एक भौतिक वादी यानी कि जो सोने चांदी रुपया पैसा से जो कमजोर है, गरीब है, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। बट रिच इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, लेकिन उसका स्वाद चमक रहा है, चेहरे पर लालिमा है, विश्वास की झलक है। एक्चुअली कैन बी टर्मड एज वेल्थी, तो वास्तव में वो बहुत ज़्यादा धनवान माना जाता है। एज ही और सी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, इज नॉट हैम्पर्ड बाई सिकनेस, उसे बीमारी नहीं सताती। द लैटर डज नॉट हैव टू फोर्क आउट मनी फॉर ट्रीटमेंट, उसे इलाज कराने के लिए बार बार अस्पताल में अपने पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। एंड कैन इंजॉय पीसफुल एंड ब्लिसफुल लाइफ, और वह आनंदपूर्वक और शांतिपूर्वक अपने जीवन का मजा लेता है। इन शॉर्ट, संक्षेप में, गुड हेल्थ इज वेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन माना जाता है। एंड नो अमाउंट ऑफ मनी, जिसमें किसी पैसे की जरूरत नहीं होती, कैन क्योर वन ऑफ टेरिबल सिकनेस, जो भारी से भारी बीमारी को भी दूर कर सकता है। गुड हेल्थ इंश्योर्स अ फुलफिलिंग एंड इनरिचिंग लाइफ, एक अच्छा स्वास्थ्य निश्चित रूप से तुम्हें समृद्धशाली और उचित जीवन जीने में मदद करता है। तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपके परीक्षा में पूछे जाने पर हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य धन है का टॉपिक था, जो आपकी स्वास्थ्य शिक्षा से रिलेटेड था। आपका एक विषय ऐसे रहेगा जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।